मंडला में गंभीर मरीजों को इलाज के लिए अक्सर दूसरे बड़े शहरों में जाना पड़ता है, लेकिन अब यहाँ भी गंभीर मरीजों का इलाज संभव हो गया है, क्योंकि हेल्थ केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर गुरु मोहन ने आदिवासी क्षेत्र से आए एक गंभीर बीमार मरीज का सफल ऑपरेशन किया और आज वो मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। मरीज गोवर्धन साहू, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसी वजह से उसका ऑपरेशन करा पाना भी मुश्किल था। इसके बाद वो डॉक्टर गुरु मोहन से मिले। मरीज जो करीब 4 से 5 वर्षों से गंभीर हार्निया की बीमारी से ग्रस्त था, ये एक सामान्य बीमारी होती है जिसके ऑपरेशन में केवल 1 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस मरीज के ऑपरेशन के वक्त 3 घंटे का समय लगा, क्योंकि मरीज गंभीर रूप से बीमार था। उसकी छोटी आंत करीब 1.5 से 2 फीट खराब हो चुकी थी, जो कि नीचे स्क्रैडम में फंस चुकी थी, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरह से नहीं हो पा रहा था। इससे पॉइजनिंग बढ़ने की संभावना ज्यादा थी। ऑपरेशन कर खराब आंतों को निकाल लिया गया और अच्छी आंतों को जोड़ा गया। आज ये मरीज स्वस्थ है। पहले डॉक्टर पास आए रहा मैं 1 साल पहले, तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारा वो कर देंगे, कहे अभी गोली दवाई ले जाओ खाना, फिर इसके बाद में खाते थे तो ठीक रखता था, और यहाँ जैसे दपकता था ऐसा तो ऊपर चढ़ जाता था। जब ऊपर चढ़ जाता था तो मैं अपन काम करता था, मैं कहाँ आराम लग गया मेरे को गोली को, ऐसे आके एकदम दो दाम गोली ले गया। अब ज़्यादा परेशानी हो जाने पर मैंने चढ़ा चढ़ा के हदास हो गया, तो क्या करूँ कि अब जाऊँ उसी सर के पास, जो कि अब वो राख है तो ठीक और लहजे तो ठीक, मगर भगवान ने मेरे को बचा। समस्या बड़ भारी रहे डॉक्टर साहब, और समस्या यही रहे कि दर्द बड़ा भारी बढ़ गया है, तब डॉक्टर साहब फिर ऑपरेशन करके ठीक करी है। कितना खर्चा वर्चा कम लगा या ज़्यादा लगा, कैसे क्या? आप खर्चा का बताऊं मैं, खर्चा क्यों नहीं लड़का बताई है, मैं नहीं जान सकूं कि कितना लगी से खर्च, तो अब भाई जो कुछ होता लगी से, लेकिन जान बच गई। हाँ नहीं जान बच गए। हाँ भैया, निवासी जो मरीज हैं बेसिकली वो बहुत एक सामान्य रूप से जो बीमारी कहलाती है हर्निया, इनगुइनल हर्निया इसको बोला जाता है, इसमें अपने आते जो हैं नीचे स्क्रोटम में आती हैं, फिर वापस या तो पेशेंट मैनुअली इसको कर लेता है या जब लेटता तो अंदर चली जाती है। वैसे ये बीमारी बहुत सामान्य रहती है और सामान्य रूप से ऑपरेशन में लगभग 48 घंटे की भर्ती रहती है, लेकिन उपरोक्त मरीज में हर्निया में जो स्मॉल इंटेस्टीन या छोटी आंत जो थी उसके नीचे स्क्रोटम में आके अटक चुकी थी। अटकने के कारण जो इंटेस्टीन थी, स्मॉल इंटेस्टीन थी, उसकी ब्लड सप्लाई पर प्रभाव पड़ा था और लगभग 2 से 3 फीट की आंत नीचे पूरी स्क्रोटम में फंसी हुई थी। सामान्य रूप से जब मरीज को ऑपरेशन थिएटर में लिया गया, स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंतर्गत लिया गया था और ऐसा लग रहा था कि इंटेस्टीन को वापस पेट के अंदर रिड्यूस कर दिया जाएगा, लेकिन जब एक्सप्लोरेशन के दौरान ये दिखा कि इंटेस्टीन जो है अपने आप में गैंग्रियंस हो चुकी है, ब्लड सप्लाई उसकी ख़त्म हो चुकी है, तो ऑपरेशन का स्वरूप फिर टोटली बदल चुका था उस समय तक, और जो आंत खराब हो चुकी थी स्मॉल इंटेस्टीन, जो लगभग 1.5 फीट की आंत जो खराब हो चुकी थी उसको काटा गया था, काट के अलग किया गया है जिसे रिसेक्शन कहा जाता है सामान्यतः, और समान आंत को फिर एक के साथ एक जोड़ा गया है। बता दें कि इस ऑपरेशन के बाद अब ये बात तो तय हो गई है कि मंडला वालों को अब हर बड़ी बीमारी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।